अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेड वेलवेट केक की रेसिपी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ। तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा, लाजमी आपने देखनी है पूरी वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 3 eggs ले लिए हैं, क्योंकि मैं साथ जो है ना इसके रेड वेलवेट कपकेक्स भी बनाऊंगी, वो मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगी। अंडों को अच्छे से बेट कर लूंगी। अंडे जो है ना वो रूम टेम्परेचर पर है, आपने ख्याल रखना है कि अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 100 grams चीनी ले ली है, नॉर्मल चीनी है, ना पाउडर शुगर है ना ही आइसिंग शुगर है। आप चाहें तो पाउडर शुगर या आइसिंग शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इतना बीट कर देना है कि अंडों का वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाए, इंक्रीज हो जाए और अंडे अच्छे से क्रीमी हो जाए, चीनी भी इसमें ठीक तरीके से मेल्ट हो जाए। तो इस रेसिपी में मैं ऑयल का यूज़ हरगिज़ नहीं करूँगी, विदाउट ऑयल ही मैं ये केक बनाऊँगी। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, मगर रिजल्ट बहुत ही ऑसम, बहुत ही ज़बरदस्त है, आप भी ज़रूर चेक कीजिएगा। लेकिन जब भी आप विदाउट ऑयल केक बनाएं तो आप मेक श्योर करें इस बात को कि आपने लाजमी शुगर सिरप के साथ केक को मॉइस्ट करना है, वरना तो केक जो है ना वो गले में अटक जाएगा। तो इस बात का ख्याल आपने रखना है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मैदा ले लिया है, 20 ग्राम इसमें मैंने कोका पाउडर एड कर दिया, 1 tablespoon बेकिंग पाउडर, 1 teaspoon बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक, 1 pinch नमक एक चुटकी के बराबर, ताकि मीठा जो है ना वो बैलेंस हो सके, नमक इसलिए ही ऐड करते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके मैं अंडों वाले मिक्सचर में ऐड कर दूंगी और इस स्पैचुला की मदद से इसे एक ही डायरेक्शन में विस्क करते हुए मिक्स कर लूंगी। ठीक है, आपने भी बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है, कट एंड फोल्ड के मेथड से थोड़ा थोड़ा करके इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लूंगी। अब इसे अच्छे से मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूंगी ताकि लम्फ्री सा स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास मिल्क है रूम टेम्परेचर पर, 2 tablespoon मिल्क मैं इसमें ऐड कर लूंगी, 2 tablespoon ही आपने भी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, ताकि बहुत ज़्यादा लिक्विड ही ना हो जाए बैटर। तो यहाँ पर मेरे पास रेड वेलवेट फूड कलर है, मिल्कीज़ फूड वालों का ये लिक्विड में है, 1 teaspoon मैं इसमें रेड वेलवेट फूड कलर का ऐड कर दूंगी। अगर आपको कलर ऐसा लग रहा हो कि आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है तो आप थोड़ा सा और फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे लिए ये क्वांटिटी इनफ थी, अच्छा सा ब्राइट सा रेड कलर आ चुका है। अब नेक्स्ट इस बैटर को मैं कुछ कपकेक्स बनाऊंगी और कुछ से मैं केक बनाऊंगी। बैटर हमारे यहाँ पर रेडी हो चुका है, तो आप नेक्स्ट जो है मैं इसमें, यहाँ पर मेरे पास कपकेक के माउल्स हैं और लाइनर्स हैं, तो तकरीबन इतना फिल करेंगे कि 3 hisses आपने फिल कर देना है और 1 hissa आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये जो है ना फूल जाते हैं, राइज हो जाते हैं, फिर इससे आपके जो कपकेक्स हैं वो ठीक तरीके से नहीं बनेंगे। तो जब भी आप कपकेक बनाएं तो कोशिश करें कि आप इनका 3rd part जो है फिल कर दें और जो 1/4 part है उसे आप वैसे ही खाली छोड़ दें। तो बकाया जितना भी मेरा बैटर रहता था उसे मैंने 6 inch के मोल्ड में डाल दिया है। अब मैं इन दोनों को बेक करने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 40 मिनट तक मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम में बेक कर दिया था। कपकेक जल्दी रेडी हो जाते हैं, आपको ख्याल रखना है कि 15 से 20 मिनट में कपकेक रेडी हो जाते हैं, जबकि केक बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम क्रीम चीज़ ले ली है, ये डब्बे वाला क्रीम चीज़ है मेरे पास, आप चाहें तो आप कोई भी किसी भी कंपनी का क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, वो ये है कि जब क्रीम चीज़ ने पानी छोड़ दिया था तो वो पानी एक्सेस जो वाटर था वो मैंने रिमूव नहीं किया। आपने ख्याल रखना है इस बात का कि चीज़ के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। खैर इसे मैंने मैनेज कर ही लिया था, मगर अगर आप बिगनर हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। 150 ग्राम मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है, तो अगर 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तकरीबन 150 ग्राम यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम और 100 ग्राम मैंने क्रीम चीज़ ले ली है। अब इसे मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। नीचे मैंने जो है ना बाउल के कुछ बर्फ़ रख दिए थे, ठीक है, आइस क्यूब्स रख कर फिर मैं इसे बीट कर दूँगी। मौसम काफ़ी गर्म है तो क्रीम जो है अच्छे से बीट नहीं होती। अगर कभी आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, बस आपने क्या कर देना है कि
आइस के कुछ क्यूब्स जो हैं वो आपने उस बाउल के नीचे रख देने हैं जिसमें आप क्रीम बीट कर रहे हो, तो क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो जाती है। क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है यहाँ पर, अब मैं इसमें क्रीम चीज़ ऐड कर दूंगी। क्रीम चीज़ को अच्छे से पहले विस्क कर देना है ताकि वो लम्प फ्री होकर स्मूथ सा क्रीम टाइप टेक्सचर बन जाए, फिर ही आपने इसे ऐड कर देना है, ठीक है। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार फिर मैं इसे बीट कर दूंगी ताकि अच्छे से क्रीम चीज़ और व्हिपिंग क्रीम कंबाइंड हो जाए। टेक्सचर आप यहाँ इसका चेक कर सकते हैं, बहुत ही स्टिफ सा इसका टेक्सचर बना है। केक अच्छे से ठंडा हो चुका था तो मैंने इसे डीमोल्ड कर दिया है। अब इसका केक का जो अपर वाला पार्ट है वो मैं रिमूव कर दूंगी। इसे आपने ज़ाया नहीं करना है, इसे लास्ट में क्रम्स बनाकर केक पर डेकोरेशन के लिए रख देंगे। तो इस केक के मैं 3 लेयर्स बना दूंगी। आप चाहें तो 2 लेयर्स भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप 3 लेयर्स भी बना सकते हैं। तो मैंने बेसिकली इस केक के 3 लेयर्स कट कर दिए थे। तीनों लेयर्स कट कर देने के बाद आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक खूबसूरत रेड कलर आ चुका है इस पर। केक भी बहुत सॉफ्ट, बिना ऑयल के भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिना ऑयल के भी केक बनाकर देखिएगा, देखें आपका केक बहुत ही अच्छा सा बनता है। अब इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। फ्रॉस्टिंग के लिए थोड़ी सी क्रीम मैंने केक बेस पर लगा ली है ताकि जो है केक यहाँ वहाँ ना जाए। अब केक की फर्स्ट लेयर रख देने के बाद शुगर सिरप के साथ इसे अच्छे से पहले मैं सॉक कर लूँगी। अच्छे से इसे सॉक कर देना है, ये बहुत ही लाजमी स्टेप है। फिर सॉक कर देने के बाद चीज़ फ्रॉस्टिंग की एक लेयर मैं इस केक के ऊपर लगा दूंगी। अगेन फिर दूसरी केक की लेयर रखकर सेम इसी तरह सॉक करेंगे और क्रीम स्प्रेड कर लेंगे। फिर थर्ड लेयर रखने के बाद भी अगेन सेम वही प्रोसेस। थर्ड लेयर रखने के बाद इसे अच्छे से मैं सॉक करूंगी। सॉक करने के बाद इस पर जो है मैं क्रीम अप्लाई करूंगी। अब मैं पूरे केक को क्रीम से अच्छे से कवर कर दूंगी। अच्छे से कवर कर देने के बाद इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी, तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी इसके बाद जो है इसकी फाइनल कोटिंग करूंगी। तो आपने भी जब भी केक बनाएं तो उसे पहले क्रम कोट करें। अच्छे से क्रम कोटिंग करने के बाद इसे फ्रिज में रख दें, सेट हो जाए, फिर इस पर इसकी आप फाइनल आइसिंग करेंगे तो केक का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा होगा और आपसे बहुत ही स्मूथ और बहुत फिनिशिंग वाली जो है ना केक बन जाएगी, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपने कैसा केक बनाया था, शेयर ज़रूर। तो रेड वेलवेट कपकेक भी हमारे रेडी हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने थे कपकेक भी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग मैंने इस केक पर लगा दी है, कपकेक पर। एक नोज़ल M1 नोज़ल की मदद से मैंने इस पर फ्लावर्स बना ली हैं। यहाँ पर क्रीम मेरी ख़त्म हो चुकी थी तो इसलिए लास्ट में जो है ना पूरी कोटिंग सही तरीके से इस पर मैं नहीं कर सकी और इसे शुगर से स्प्रिंकल के साथ मैंने डेकोरेट कर लिया था। मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स मेरे पास थे, उसके साथ मैंने इसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। तो केक अब हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं एक पैलेट नाइफ की मदद से इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लूँगी, बहुत ही सिंपल डिज़ाइनिंग में इसकी रखूँगी। बहुत ज़्यादा इस पर मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, बस पैलेट नाइफ की मदद से हल्का सा वेव दे देंगे ताकि इसका जो है लुक वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। इसे आपको इतना स्मूथ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इस केक को आपने बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देनी है, क्योंकि इस पर जो क्रम्स हैं ना हमें वो लगाने हैं। केक का जो अपर पार्ट मैंने कट कर दिया था उसके मैंने क्रम्स बना लिए हैं। अब इन क्रम्स को अच्छे से केक के साइडों पर भी मैं लगा दूंगी, केक के ऊपर भी लगा दूंगी ताकि एक खूबसूरत सा लुक इस केक पर आ जाए। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखते तो आप पे मगर लाइक नहीं करते, तो कोशिश कीजिए वीडियो देखते देखते एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।